सो हेलो एंड वेलकम टू टेक्नोपर्सन। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। जो बिटकॉइन है आप जानते ही होंगे उसकी वैल्यू, इंडिया में कितना कन्वर्जन है, जो बिटकॉइन है वो बना कैसे, उसके पीछे की टेक्नोलॉजी आखिर है क्या चीज़। तो जो बिटकॉइन है, जो आज इतना पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है, उसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। तो उसमें जो टेक्नोलॉजी लगती है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एक क्रिप्टो करेंसी बनाती है। उसमें आपका सबसे पहले जानेंगे टेक्नोलॉजी अलग अलग तरीके होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी होती है, सब में अलग अलग चीज़ें यूज़ होती है, अलग अलग टूल्स। तो एक तरीके होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जैसा नाम है वैसा काम है। तो ब्लॉकचेन से नाम पता चल रहा है कि बहुत ढेर सारे ब्लॉक होते हैं, उन ब्लॉकों की चेन, एक चेन को हम लोग कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें एक ब्लॉक में तीन चीज़ होती है, एक यूज़र का यूनिक आईडी होती है। जैसे एग्जांपल आप यूज़र यूपीआई आईडी देखते हैं, तो यूपीआई आईडी में आपको जैसे किसी यूनिक यूपीआई आईडी होती है, वो सिर्फ उसी को पता होती है, नहीं तो यूपीआई पासवर्ड वगैरह भी होता है। तो वो चीज़ की एक यूनिक आईडी जो होती है वो यूज़र को पता होती है और वो हैश में स्टोर होती है, एक हैश होता है उसमें। और जो यूज़र आईडी रहती है वो फेस आईडी के तौर पर रहती है। और दूसरी चीज़ जो होती है वो होता है हैश। तो हैश में यूज़र का ट्रांजैक्शन छुपा होता है, सेंडर और रिसीवर में दोनों का ट्रांजैक्शन उसमें रहता है। ये बहुत ज़्यादा सेफली सिक्योर टेक्नोलॉजी मानी जाती है, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में काम नहीं करती, इसे काफ़ी ज़्यादा जगह पे यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ सेफ। इसको हैक या टेम्पर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत ढेर सारे ब्लॉक होते हैं, उसको एक ब्लॉक को हैक करना तो इम्पॉसिबल ही है, बट हैकर कुछ भी कर सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हैक बहुत ज़्यादा उसमें सिक्योरिटी अप लेवल की रहती है, इस वजह से उसको हैक करना तो इम्पॉसिबल टाइप रहता है, इस वजह से उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। तो उसमें एक जगह नहीं बहुत जगह यूज़ होती है ब्लॉकचेन। तो ज़्यादा आसान भाषा में बताएं तो ब्लॉकचेन ढेर सारे ब्लॉक होते हैं जिसमें एक यूज़र का डेटा होता है, तो वो डेटा सिक्योर रहता है। अब क्रिप्टो करेंसी ज़्यादातर यूज़ होती है हैकर्स के तौर पर, या फिर ऐसी करेंसी होती है जिसका सेंडर और रिसीवर का ट्रांजैक्शन जो होता है मिल नहीं पाता। फॉर एग्जांपल आप यूपीआई आईडी देखें, जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन की आईडी, जो भी चीज़ सेंडिंग हो रहा है, रिसीविंग हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, किसको हो रहा है, वो सारी डिटेल बैंक करती है, बैंक नहीं तो बैंक को गवर्नमेंट करती है। तो उस आपकी सारी डिटेल की ट्रांजैक्शन आपकी यूपीआई आईडी आपकी बैंक कर रही है। बट एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन में आपको ये नहीं होगा कि वो किसी और के थर्ड पार्टी के पास जाएगा, वो आपके पास रहेगा या तो रिसीवर के पास रहेगा, दैट्स इट, इसके पास किसी के पास नहीं जाएगा। सो इस छोटी सी वीडियो में आपको समझ में आया होगा, होप सो। टेक्नोपॉइजन की सबसे पहली फेस कैम वीडियो है। तो मेरा नाम है फैज़, आप देख रहे थे टेक्नोपॉइजन। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।